हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ राम सीता। ये मेरे माइंड में तब आया जब मैंने देखा कि प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है अयोध्या मंदिर में और सब लोग राम सीता के नारे लगा रहे हैं, सब लोग राम सीता की पेंटिंग बना रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूँ। मैंने भी सोचा कि एक पेंटिंग राम सीता की मैं भी बना देती हूँ। तो मैं आज एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाने वाली हूँ जो कि बहुत ही सुंदर दिखने वाली है। और अगर आपको देखना है कि पेंटिंग कैसी बनी है तो वीडियो को एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाओगे तो कैसे पता चलेगा कि मेरी वीडियोस कब आ रही हैं। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सबसे पहले हम रफ स्केच बना लेंगे, उसके बाद हम जैसो का एक कोट अप्लाई करेंगे। जैसो का कोट अप्लाई करना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप जैसो अप्लाई करते हैं तो कैनवास पेड पे थोड़ी सी स्मूदनिंग आती है। वैसे तो आप वाटर अप्लाई करके और उसको ड्राई करके उसके बाद भी कलरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने ब्राउन कलर बनाने के लिए ऑरेंज प्लस ब्लैक का इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैंने स्किन कलर बनाने के लिए ऑरेंज प्लस वाइट का इस्तेमाल किया है। और ये बन हो चुका है हमारा फेस है और बालों का टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है। अब धनुष की बारी। धनुष में भी मैंने ऑरेंज प्लस हल्का सा ब्लैक मिलाया है। देखो कितना सारा ऑरेंज कलर मैंने इस्तेमाल किया है। उसके बाद हिरन बनाने के लिए भी मैंने ऑरेंज प्लस हल्का सा ब्लैक मिला के तरीके से मिलाया है मैंने, जिससे पता चले कि सब में मेरा ऑरेंज कलर ही ज़्यादा इसमें यूज़ हुआ है। अब ऑरेंज कलर की ही माता की साड़ी बना रही हूँ। उसके बाद राम जी का दुपट्टा मैं येलो कलर से बना रही हूँ। अब बारी है जब माता सीता और श्री राम जी वनवास को चले गए थे, उनके वस्त्र किसी गुरु माता ने दिए थे। वो वस्त्र और गहने ऐसे थे जो कभी ना खराब होने वाले थे। वो एक ही वस्त्र में रहते थे और गहने में रहते थे। उनको ये खराब ना होने वाले वस्त्र एक गुरु माता ने जो दिए थे वो हमेशा चले, वो 14 सालों तक चले। अब देखिए कितने अच्छे रहे होंगे वो। बैकग्राउंड में अब हम लोग अलग अलग टेक्सचर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें आउटलाइन की बारी है। आउटलाइन मैंने ब्लैक कलर से की है, पहले वाइट कलर से मैंने थोड़ा सा शेडिंग दिया है और उसके बाद मैंने ब्लैक कलर से आउटलाइन कर दी है। आउटलाइन करते करते मैंने और भी इसमें टेक्सचर दिया है ब्लैक कलर का, कितना सुंदर दिख रहा है ना। अब इसका फाइनल टच दे रही हूँ मैं, ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। देखो लाइट, अब मैंने थोड़ी लाइटनिंग भी दी है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। अगर आपको पेंटिंग पसंद आई होगी तो कमेंट में बताना कि मुझे और क्या करना चाहिए और क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा तो मेरी पेंटिंग और भी अच्छी अच्छी होती जाएगी दिन प्रतिदिन। मैंने ग्रे कलर का भी इस्तेमाल किया है, ग्रे पेन का इस्तेमाल किया है इनको शाइन देने के लिए और उनकी माला बनाने के लिए। तो वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय।